हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनी, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी एक कॉमन क्वेरीज आ रही थी। क्वेरीज ये थी कि सर, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करने जा रहे हैं, पर हम डिजाइन करें तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हुए करें। यानी कभी हमने देखा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्यों आती है स्ट्रक्चर में? यानी हमने डिजाइन करवा दिया, कई कई जगहों पर तो कंस्ट्रक्शन भी हो गया, उसके बाद ही प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप 5 थंब रूल पे फोकस नहीं किए थे। किसपे फोकस नहीं किए थे? 5 थंब रूल्स पे फोकस नहीं किए थे फॉर डिजाइनिंग एनी स्ट्रक्चर। वो कौन कौन से 5 थंब रूल है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज सपोर्ट करना। कई लोग सोच रहे होंगे सर, BIM का वीडियो नहीं आया। BIM का भी वीडियो आज आ जाएगा इवनिंग तक में, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और काम होते ही वो भी आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, अब थंब रूल में सबसे पहला थंब रूल जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते टाइम इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ अगर हमने फोकस कर दिया कि अगर स्ट्रेंथ अच्छा है तो हमारी डिजाइन सक्सेसफुल है। अब स्ट्रेंथ के लिए आपको तरह तरह से देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? उसका शियर फोर्स देखना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट देखना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट देखना पड़ेगा। ये 3 चीजों पर आप डिजाइन करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। मतलब स्ट्रेंथ के अंदर 3 चीजें मस्ट है। पहला क्या है? आपका शियर फोर्स, दूसरा बेंडिंग मोमेंट, तीसरा रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग। रेनफोर्समेंट ना ज्यादा लगे ना कम लगे, ओके, पहला चीज डन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रक्चर को आप कितना भी स्ट्रेंथ दे दो, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दिया, मतलब कहां पे कॉलम चाहिए तो वहां पे नहीं दिया, जहां पे नहीं चाहिए तो वहां बहुत अच्छा दे दिया। मतलब स्ट्रेंथ तो आपने दे दिया वहां पे, बट सही जगह पे नहीं दिया। इसका मतलब अब आपका स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा, यानी उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। और स्ट्रक्चर के अंदर ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझ के रखिएगा, 2 थंब रूल, पहला है ड्यूरेबिलिटी, दूसरा स्ट्रेंथ, ये 2 हो गए। तीसरा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? तीसरा है सर्विसबिलिटी। सर्विसबिलिटी क्या होता है दोस्तों? आप सब में से मैंने कई लोगों को देखा है प्लानिंग करते हैं, बट प्लानिंग करने के बाद उनके रूम के साइजेस देखो तो किसी के रूम का साइज है 8x10, 8x12। यार समझो, अगर आप 8x10, 8x12 का प्लान बना रहे हो, रूम बना रहे हो, उस रूम में कैसे रह पाओगे आप? अब वो बात की बात है, कोई स्पेशल पर्पज है, स्पेशल रीजन है कि लैंड कम है वगैरह वगैरह, तो ठीक है। अदरवाइज अगर आप बाथरूम बनाए हो, बाथरूम में बहुत अच्छे वाले टाइल्स लगा दें, पर जो बाथरूम का स्टैंडर्ड साइज आपने दिया वो दिया 2x8, क्या वो सर्विस दे पाएगा अपना? नहीं दे पाएगा। तो सर्विसबिलिटी मतलब समझ जाइए क्या है। सर्विसबिलिटी मतलब वो अपना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीज आपको प्लानिंग में समझते रहना है। अगर हम बालकनी बना रहे हैं तो बालकनी कितना बना रहे हैं? अब पता चला बालकनी हमने 1 फीट की बनाई है, ना कूलर रख पाओगे, ना वहां पे चेयर रख पाओगे, स्ट्रक्चर आपका ना कोई सामने वाला पसंद करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि आपको उसका देखना है सर्विसबिलिटी, की सर्विस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और सर्विस देना इन द सेंस कि अभी बाथरूम बनाते हो, बाथरूम कहीं भी प्लान कर दिए, घर एंट्री किया, बाथरूम आ गया, बताओ कैसा रहेगा वो? अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सर्विसबिलिटी को समझा नहीं कि सर्विस किस तरीके से दे पाएगा। चौथा की पॉइंट आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है? एस्थेटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं होगा तो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब सोचो, आपने बना बहुत अच्छा लिया और बनाते टाइम अब सपोज मैं कंटेंट बहुत अच्छा दूं, एक मिनट के लिए आप एग्जांपल देखिए, अगर मैं कंटेंट बहुत अच्छा दूं बट ऐसे ही आ जाऊं, मतलब कि 1-2 महीने पहले नहाया हूं, उसके बाद ऐसे आ गया और इस तरह से पूछ रहा हूं, हाँ भाई कैसे लगेगा आपको? गंदा लगेगा। बट इसी समय पे अगर मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूं, एनर्जी के साथ बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा नहीं सर कुछ तो अच्छा समझा रहे हो। आप सुनने की कोशिश करोगे, आपको पता चलेगा अरे हाँ अच्छा ही समझा रहे थे, करेक्ट। तो आपको ध्यान देना है एस्थेटिक अपीयरेंस, मींस आपको एस्थेटिक एक्सटीरियर साइड से भी और इंटीरियर साइड से भी इतना बेहतरीन बनाना है कि सामने वाला देखे तो अट्रैक्ट हो जाओ, बोले नहीं मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है, मुझे ये फ्लैट खरीदना ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसमें एस्थेटिक अपीयरेंस आपने यू डाल दिया था, आपने स्ट्रक्चर बनाया। आप कभी देखना DLF के स्ट्रक्चर देखना, टाटा के देखना, इंफोसिस के स्ट्रक्चर देखना, देख लगता है यार पता है क्या, कभी कभी लगता है 10,000 की सैलरी मिलेगी तो भी मैं काम करूंगा। क्यों? क्योंकि इसका एस्थेटिक भी बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कमेंट करना आप बताना। मैंने जब पहली बार DLF की बिल्डिंग देखी तो मैंने सोचा था वाओ ऐसी बिल्डिंग्स, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी। तो आप एक बार देखना, आपको पता चलेगा। हाँ, तो एस्थेटिक अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू के कंपनी के अंदर जाते हो और वहां पर जाते ही आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो, अच्छा इंटीरियर इसका कैसे है, अच्छा ये कैसे है, ओके। अब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको करना है कि नहीं करना है। कई लोग तो ऐसे कि इस लुक की वजह से इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं,
बहुत ऐसे लोग हैं, आप में से भी कई लोग होंगे, और मतलब रहते रहते हैं, एस्थेटिक अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिल्डिंग के लिए एस्थेटिक अपीयरेंस आपको देख रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, अगर आप कुछ भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं है अगर आपके पास, कितना भी अच्छा स्ट्रेंथ दे, कितनी भी अच्छी सर्विसबिलिटी हो आपका प्रोजेक्ट दे, कितना भी अच्छा ड्यूरेबल हो, कितना भी अच्छा उसका एस्थेटिक भी हो, बट जब पैसा ही नहीं है तो फिर क्या। तो आप ये भी देखो कि सामने वाले का बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है, उस बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा स्ट्रेंथ देना है, उस बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा ड्यूरेबल बनाना है, उस बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा एस्थेटिक देना है। तो बजट सेंटर है और उसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग में आपको काम करना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, फाइव थंब रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, ये फाइव थंब रूल्स मैं खुद फॉलो करता हूं अपने डिजाइन में, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो डिजाइन होगी 110% क्लाइंट को पसंद आने वाली है। और दोस्तों ये सब करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहे हैं, वो मतलब कि जिसमें आप सारा काम कर सकते हो, वो आपका रेविट है। रेविट क्योंकि बीम का लबल लबल सारा पोर्शन कवर करता है, तो कोशिश क्या करो कि रेविट को सीखने की कोशिश करो, उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो, ऑटोडेस्क की वेबसाइट से फ्री में मिल जाएंगे आपको, उनको डाउनलोड कर लो। इसके बाद स्टैट प्रो ईटैब में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको दे दूंगा। आप स्टैट प्रो और ईटैब में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसे बीम बनाओ, खाली बैठो, प्लीज प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान देना इन पांचों पॉइंट को, पहला कौन सा स्ट्रेंथ, दूसरा उसका हमको देखना है ड्यूरेबिलिटी, तीसरा सर्विसबिलिटी, चौथा एस्थेटिक, पांचवा इकोनॉमी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर डिजाइन करोगे, डेफिनेटली 110% आपकी डिजाइन अच्छी होगी। दोस्तों आप सब और बताइए कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं यार, साथ साथ आप लोग छोटे छोटे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट इस समय पढ़ता हूं तो एकदम पॉजिटिव हो जाता हूं। बीम के लिए कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का मैं कह नहीं सकता। मैं जब पीपीटी बनाता हूं, ये सोच के बनाता हूं कि अब का जो कंटेंट होगा लास्ट कंटेंट से और अच्छा होगा, और हमें लगता है आपके लिए भी, आपके साथ भी यही आपको करना चाहिए कि आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उस काम में, आप जिस काम को जिस दिन करें, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये सोच के चल रहा हूं कि पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं उस हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक तरीके से मैं आपको इसलिए मोटिवेट भी करना चाहता हूं क्योंकि अभी हमको जरूरत है थोड़ा अच्छे लेवल पहुंचने की, और अच्छे लेवल पहुंचने के लिए आपको जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स की। स्किल्स रहेगा तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट को, किसी न किसी कंट्री के प्रोजेक्ट्स को करके कुछ तो अर्निंग हो जाएगी अच्छी खासी, कुछ मतलब अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। सो प्लीज स्किल्स को सीखो, और स्किल्स को सीखोगे तो यार वो सबका सबके लिए अच्छा है। और अभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो कि आपकी बीम से रिलेटेड है, उसको भी देखिएगा, और इसी तरीके से इसको शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहेंगे, डेफिनेटली मजा आएगा। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, मैंने कई लोगों को बोला था कि आप लोग अपने जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उसमें से केवल 4 या 5 लोगों ने अभी तक भेजा हुआ है। सो यार ये नंबर्स कम है, इसका ये समझाता है कि आप सिर्फ चाहते हो कि आपको कंटेंट दिया जाए, आप किसी को कंटेंट शेयर नहीं करना चाहते हो। और ये आप अपने दिमाग से निकाल देना, कोई भी अगर ये सोचता है कि नहीं अगर मेरा चला जाए किसी और के पास तो कुछ नहीं होगा, भाई मैं अपना सारा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रीजन क्या है, मुझे पता है मैं डेली 1 घंटे 2 घंटे डेली एक्स्ट्रा स्टडी करता हूँ तो ब्रेन में मेरे डेली ऐड हो रहा है। तो आपके लिए भी यही रिक्वेस्ट है कि आप डेली पढ़ो, जो कुछ कंटेंट्स आप सब शेयर कर सकते हो करो, जिससे कि मैं एक पूरा का पूरा पीपीटी बना के आपके साथ शेयर कर दूं कि देखो भाई ये कंटेंट है आपके लिए, यहाँ यहाँ यूज में आ सकती है। कुछ लोगों ने मुझे बुक शेयर किया, इसलिए थैंक यू। कुछ लोगों ने मुझे कुछ फाइल सेव किया, उनके लिए भी थैंक यू, बट वो नंबर्स बहुत कम है तो उसको भी शेयर करने में कोई फायदा नहीं। मैं वेट करूंगा कुछ लोग और आए और जुड़े हम लोग से और आगे चले हम लोग, और सिविल में जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत से काम हो जाएंगे। आप स्ट्रक्चर का काम समझ नहीं आ रहा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो मुझे। अगर मान लो सर्वे का कोई काम है, एस्टिमेशन का कोई काम है, अगर आप में से कोई नॉलेज है तो नीचे कमेंट करके रखना, मैं आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगा। मैं कई लोगों के साथ ऑलरेडी टाई अप में हूँ, उन लोगों को पता है कि हम लोग साथ में मिलकर काम करते रहते हैं। चलिए तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कोशिश करिए कि आप लोग अपने घर के जो भी 2-4 लोग हैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं उसको बोलिए कि ये आपको यहाँ पे सेपरेट और यूनिक कंटेंट मिलता है, जिससे कि आपको सिविल की इन्फो मिल जाएगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको लगेगा अच्छा ठीक है ये अच्छा। एक बार जो कोई भी चैनल पे आएगा, और हाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप सब अपने व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा अच्छा ग्रुप चलाते हो, मैं भी चलाता था अपने टाइम पे कॉलेज में। तो अब क्या होगा कि अगर आपने ग्रुप पे शेयर किया और नीचे लिखा कि ये कंटेंट आपको देखना है, ये तो बहुत से बच्चे रहते हैं वो अपने जूनियर्स को सीनियर्स को, यार कॉलेज में शेयर करना सबसे आसान होता है। जॉब वालों को फिर भी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो बेचारे एक तो टाइम नहीं है, दूसरा उनके साथ दिक्कत ये होती है कि 2-4 लोगों को ही कर पाएंगे क्योंकि उनके कॉन्टेंट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कॉलेज टाइम
में बहुत कंटेंट रहता है, तो उसका थोड़ा सा हेल्प हमारे लिए भी कर दीजिए कंटेंट को, और उसको ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और उसके साथ हम लोग को फिर मजा आने लगेगा कि चलो अभी तो कर रहे हैं यार, फीडबैक आ रहा है आपके तरफ से। और ये फीडबैक ही है कि मैं आपसे आपके लिए दो दो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा बार बार, जिससे ज्यादा ज्यादा नॉलेज आप लोगों तक शेयर कर पाऊं। तो आप 5 थंब रूल्स को याद रखेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।